हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपके हरियाणा में जो लॉकडाउन है वो दोबारा से आगे एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। बट काफ़ी चीज़ों में इन्होंने छूट दिया, क्या क्या रिलैक्सेशन दिया गया, किस किस चीज़ों में चीज़ें खुलेगी, कौन सी दुकानें बंद रहेगी, मॉल्स खुलेगी नहीं खुलेगी, लाइब्रेरी खुलेगी या नहीं खुलेगी, वन बाय वन करके मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताया था। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। बट उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। सो चलिए दोस्तों, वन बाय वन करके मैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आप लोगों के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपका नोटिस है, 6 जून 2021 का नोटिस है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक लॉकडाउन लगाया था 3 मई को सुबह 5 बजे से लेकर 10 मई को 5 बजे तक। उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया था 9 मई से लेकर 16 मई तक, ठीक है। देन इन्होंने फिर 30 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो इन्होंने कंप्लीट डेट दी हुई है कि कब से कब तक एक्सटेंड किया। जो हमारे काम की चीज़ है वो मैं आपको डायरेक्ट डिटेल में बता देता हूँ। तो अब नोटिस में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आप लोग का लॉकडाउन है अब इन्होंने फर्दर 1 वीक के लिए एक्सटेंड किया है, ठीक है। 7 जून 2021 से सुबह 5 बजे से लेकर 14 जून 2021 तक सुबह 5 बजे तक, ठीक है, इन स्टेट ऑफ हरियाणा। और क्या क्या चीज़ें इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें खुली रही वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, शॉप्स अदर देन द स्टैंड अलोन शॉप्स आर अलाउड टू ओपन फ्रॉम 9 AM टू 6 PM। तो दुकानें आपकी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली रहेगी इन टू ग्रुप्स, नेमली ओड और इवन शॉप्स, ठीक है, विद ओड नंबर्स ऑन ओड डेट्स और शॉप्स विद द इवन नंबर्स ऑन इवन डेट्स, ठीक है। जो ओड नंबर की शॉप्स है वो ओड डे पर खुली रहेगी और जो इवन नंबर की शॉप्स है वो इवन नंबर पर खुलेगी, ठीक है, इवन डेट्स पर खुलेगी। आगे इन्होंने लिखा, जो मॉल्स है वो खुले रहेंगे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक। थर्ड पॉइंट में इन्होंने लिखा है, रेस्टोरेंट्स और जो बार है इंक्लूडिंग इन होटल्स एंड मॉल्स आर अलाउड टू ओपन फ्रॉम द 10 AM टू 8 PM। तो रेस्टोरेंट्स है वो भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खुले रहेंगे विद 50% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी, ठीक है, एंड अडोप्टिंग रिक्वायर सोशल डिस्टेंसिंग। बाकी सब इन्होंने बोला कि 50% होनी चाहिए सीटिंग कैपेसिटी, मतलब भरना नहीं चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स इनको अप्लाई करने चाहिए, ठीक है, और वगैरह वगैरह सब चीज़ें दी हुई। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। इन्होंने रिलीजियस प्लेसेस में बोला है, रिलीजियस प्लेसेस आर अलाउड टू ओपन विद 21 persons एट वन टाइम विद द कंडीशन डैट दे फॉलो रिक्वायर सोशल डिस्टेंसिंग। तो इन्होंने बोला जितने भी धार्मिक स्थान हैं वो आपके खुले रहेंगे बट 21 लोगों से ज़्यादा, एक साथ 21 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे इन्होंने लिखा, जो कॉरपोरेट ऑफिसेज है उनको भी परमिशन दे दी है कि वो खुल सकते हैं बट 50% अटेंडेंस के साथ, साथ में आपकी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना है। अगला इन्होंने लिखा है, गैदरिंग्स इन वेडिंग्स, शादियों में, फ्यूनरल्स में और क्रीमिनेशंस में जितनी भी गैदरिंग्स है वो 21 लोगों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शादी हो चाहे वो फ्यूनरल का आपका काम हो, ठीक है। However, weddings can take place at place other than home and courts also. तो इन्होंने बोला जो weddings है वो आपके होम के अलावा कोर्ट्स में भी हो सकती है, ठीक है, और नो मूवमेंट ऑफ द बारात प्रोसेशन विल बी अलाउड। तो बारात की परमिशन इन्होंने नहीं दी, ठीक है, बारात नहीं निकाली जाएगी अगर शादी होती है तो। आगे इन्होंने लिखा, फॉर गैदरिंग्स अदर देन वेडिंग्स, वेडिंग्स के अलावा जो भी गैदरिंग्स होती है और फ्यूनरल्स के अलावा जो मैक्सिमम नंबर अलाउ इन्होंने किया वो उन्होंने 50 कैंडिडेट्स या 50 लोग अलाउ किया, 50 से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए। फॉर गैदरिंग मोर देन 50 प्रायर परमिशन फॉर द डेप्यूटी कमिश्नर शैल बी रिक्वायर्ड। तो 50 से ज़्यादा लोग होते हैं, अगर आपकी गैदरिंग में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? डेप्यूटी कमिश्नर से, ठीक है। आगे इन्होंने क्या, क्लब हाउसेस रेस्टोरेंट्स बार ऑफ द गोल्फ कोर्सेज आर अलाउड टू ओपन। तो ये सब भी खुल सकते हैं 50% कैपेसिटी के साथ सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, ठीक है। और बाकी यही थी कंप्लीट डिटेल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन।